हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है बफर कैपेसिटी 5। ओके, तो देखो बच्चों, बफर कैपेसिटी मींस बफर सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो बफर के पीएच में होने वाले चेंज को रोकती है, वही क्या कहलाती है बफर कैपेसिटी। एक्चुअल में ये एक लीटर बफर के पीएच को एक यूनिट चेंज करने के लिए जो एसिड या बेस के मोल लगते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बफर कैपेसिटी। यही मैंने डिफाइन किया है कि द प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट अल्टरेशन इन इट्स पीएच वैल्यू इज नोन एज बफर कैपेसिटी। समझ गए ना बच्चों कि किसी भी बफर सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके पीएच चेंज होने से रोकती है वही उसकी क्या है, बफर कैपेसिटी। It is defined as the number of moles of acid or base added in 1 liter of solution. कौन सा solution? Buffer solution. Buffer solution has to change the pH while unity is called buffer capacity. समझ गए बच्चों कि एक लीटर buffer solution लिया जाए और उसके pH को एक unit change किया जाए तो इसको चेंज करने के लिए आपको जितने एसिड या बेस के मोल्स ऐड करने होंगे बफर सॉल्यूशन में वही उसकी क्या है, बफर कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड इन 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, हमने इसको जो है इंडिकेट किया है डेल्टा एन अपॉन में है चेंज इन पी एच मीन्स डेल्टा पी एच। तो बफर कैपेसिटी 5 is equal to dN upon delta pH. Okay, फिर से समझें कि buffer capacity क्या है, कि number of moles of acid or base added in 1 liter of buffer solution means dN upon change in pH delta pH. तो 5 is equal to हो जाएगा delta मतलब dN upon delta pH. तो यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब जैसे ये है क्वेश्चन कि व्हेन 0.002 मोल ऑफ एसिड इज एडेड टू 250 ml ऑफ बफर सॉल्यूशन पीएच डिक्रीजेस बाय 0.02 यूनिट, कैलकुलेट बफर कैपेसिटी। ओके, तो देखो यहां पर जब हम सॉल्यूशन लेंगे तो डीएन क्या होगा, तो आपको ये कह रहा है 250 ml बफर सॉल्यूशन में 0.002 मोल मिक्स किया गया है। हम जानते हैं कि हमें कितने में लेना है, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में कितना एसिड या बेस के मोल ऐड किए गए हैं वो लेना है और बफर सॉल्यूशन में कितना चेंज आ रहा है। तो यहां पर 250 ml में है तो 250 ml में 0.002 मोल एसिड है। ओके, तो हमें देखना होगा 1000 ml मींस 1 लीटर में कितने ऐड किए होंगे, तो ये आ गए 0.008। ओके, डेल्टा पीएच कितना है बच्चों, 0.02। तो 5 means buffer capacity क्या हो जाएगी, change in added moles of acid upon change in pH, तो ये आ गया 0.4। ओके, यहां तक बात समझ गए होगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और बताता हूं। The pH of buffer solution is 4.745. When 0.01 mole of NaOH is added of 1 liter of it means buffer, the pH change to 4.83 to calculate buffer capacity. Okay, तो यहां पर पहले हम डेल्टा pH कैलकुलेट करेंगे। तो आपको देख रहे हैं कि NaOH मिलाने से बफर का जो pH है वो ये हो गया और इनिशियल ये था, तो डिफरेंस आया 0.087। ओके, कितने मोल्स मिलाएगा 1 लीटर में, 0.01 मोल NaOH। ओके, तो कितने ऐड मोल किए गए NaOH के, कितने मोल ऐड किए गए और कितना पीएच चेंज आया, इनका रेशियो दिया गया 0.115, यही क्या है बफर की, बफर कैपेसिटी। तो यहां तक बात समझ गए होगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, मैं एक रिलेशन और बताता हूं। ये है रिलेशन ऑफ बफर कैपेसिटी विद
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बफर। ओके, कि जो बफर के कंपोनेंट्स हैं, मींस सॉल्ट है और वीक एसिड है या वीक बेस है, उसके साथ बफर कैपेसिटी का क्या रिलेशन है। ओके, तो यहां देखो, सपोज हमारे पास एक एसिडिक बफर है जिसमें एसिड की जो कंसंट्रेशन है वीक एसिड की वो है ए, और जो हमारे पास सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन को हमने माना एस। ओके, अब यहां आ जाते हैं, तो पीएच इक्वल टू ये है बफर का, ठीक है, एसिडिक बफर का पीएच कैलकुलेट करने का रिलेशन, कि पीएच इक्वल टू पीके ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये तो आप जानते हैं। सपोज ये है पीएच 1, जब आपने ये कॉन्सेंट्रेशन ली तो हम लिखेंगे पीके ए, ओके, प्लस लॉग एस अपॉन ए। यहां तक बात समझ गए, अब हम आगे आते हैं। अब हम ये देखें कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एडेड विद बफर, अब आपने उस बफर में एक लीटर मान लो बफर है या जो भी अमाउंट है, उस बफर में आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया। ओके, तो हम जानते हैं कि बेस न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड मींस एच। अभी आपको मैंने बफर एक्शन में बताया था कि जैसे ही हम बफर सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो उस बेस को कौन न्यूट्रल करता है, बफर जो सॉल्यूशन है उसमें जो वीक एसिड है। तो हम ये रिएक्शन लिखेंगे कि HA प्लस NaOH BA प्लस H, स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने NaOH ले लिया। ओके, तो यहां पर इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी A, उसमें आपने NaOH की स्मॉल अमाउंट डेल्टा B मिला दी, और जो सॉल्ट थी उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी S, और ये H2O1। ओके, अब हम जानते हैं कि NaOH इस एसिड के डेल्टा B इक्विवेलेंट को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन अब क्या बचेगी, ए माइनस डेल्टा बी, ये हो गया जीरो। जब ये पूरा जीरो हो जाएगा तो यहां पर डेल्टा बी माइनस कर देंगे तो सॉल्ट में इतना ही ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्ट था S, और इससे इस रिएक्शन से और बन गया डेल्टा बी, तो ये ऐड हो गया। अब हमारे पास एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ए माइनस डेल्टा बी, और जो सॉल्ट है वो क्या हो गई, एस प्लस डेल्टा बी। अब न्यू पीएच 2 अगर हम अब पीएच कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, पी के ए प्लस लॉग, ये कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ यूज कर देंगे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड की। यहां तक बात बिल्कुल समझ गए होगे अच्छी तरह से, आप पहले से नोट करें। अभी देखो बच्चों, मैंने आपको डेल्टा पीएच 1 और सॉरी पीएच 1 और पीएच 2 दोनों बता दिए कैसे कैलकुलेट करना है, फिर अब हम डेल्टा पीएच कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीएच 2 माइनस पीएच 1। पीएच 2 अभी आपने कैलकुलेट किया, पीएच 1 ये था, इनमें से डिफरेंस तो पीके हट गया, हमारे पास ये रिलेशन आ गया। देखो ये हो गया ए फंक्शन माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन बी, तो ये हो जाएगा, ये तो समझ गए हो गए ये कैसे आ गया, तो ये हो गया लॉग ए अपॉन में लॉग बी, तो ये इस तरह से आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो। ओके, लॉग यहां पर ध्यान रखें कि जो पीएच में लॉग आ रहा है वो लॉग 10 बेस पे होता है, तो जब हम लॉग 10 बेस को ln में चेंज करेंगे तो ये होता है ना ln इक्वल टू 2.303 लॉग 10, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब लॉग 10 की जगह हमें ये लिखना है। तो यहां तक ये समझ गए होंगे, बाकी मैंने सेम यही लिख दिया और आगे बढ़ा दिया, ये हो जाएगा। अब आप इसको ये वाली नंबर जो है इसके अपॉन में ये आ जाएगा और ये नंबर इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 प्लस s अपॉन s 1 और डेल्टा b अपॉन s, तो s ऐसे ही ये हो गया। यहां तक समझ गए, अब यहां पर एक रिलेशन लेंगे हम। ओके, ये रिलेशन होता है log ln 1 plus x is equal to, ये रिलेशन तो आप मैथमेटिकली जानते होंगे, x minus x square upon 2 plus ये, फिर minus, इस तरह से चलता जाएगा। तो यहां और ऐसे ही ln 1 minus x is equal to minus x minus x square upon 2, इस तरह से चलेगा। यहां x काफी small, very small है, तो हम 1 plus x की जगह x और 1 minus x की जगह minus x लेंगे। x is equal to, ये compare करो आप 1 plus x, तो ये है हमारे पास delta b upon s, 1 माइनस एक्स में एक्स क्या है, डेल्टा बी अपॉन ए। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन निकला, पहले मैंने इसको दो अलग अलग स्टेप में कर दिया, 1 अपॉन 2.303 यहां से ln 1 प्लस ये माइनस, फिर ln 1 माइनस ये दोनों ए अपॉन बी, तो ln 1 ln a माइनस ln b, तो यहां तक समझ गए होंगे। फिर इसका जो सॉल्यूशन है वो इस बेस पर ये आ गया, इसका हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन एस माइनस, और इसका हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन ए, और आगे आएंगे तो ये हो जाएगा ना इस तरह से। तो हमारे पास डेल्टा पीएच यहां तक आ गया, आप यहां तक पहले नोट कर लें। ओके, तो देखो बच्चों, ये रिलेशन
इक्वेशन आ गया, और आगे बढ़ा दें हम इसको, पलट दें, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा पी एच, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू एस इंटू ए अपॉन एस प्लस ए, जहां एस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन, ठीक है, एस प्लस ए, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये है इसका फाई से रिलेशन, या हम इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास फाई इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा पी एच इक्वल टू 2.303, ये आ गया रिलेशन। ओके, एक बफर सॉल्यूशन है जिसमें 0.1 मोल पर एसिटिक एसिड है, 0.2 सोडियम एसिटेट, फाई क्या होगा, तो देखो यहां पर फाई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है 2.303, ये हो गया एसिटिक एसिड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इंटू सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन दोनों, ये सॉल्व किया 0.115, ये आ गया। अब यहां तक बात समझ गए होगे तो कोई दिक्कत नहीं इस तरह के क्वेश्चन, तो ये कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर भी फाई कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आपने सॉल्ट मिलाया, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे फाई बढ़ता जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा क्वेश्चन था और बफर कैपेसिटी का रिलेशन था, तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होगे, मैं समझता हूँ अब कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, समझ गए ना। तो ये था बफर कैपेसिटी के बारे में, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे बफर की रेंज, पीएच रेंज के बारे में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।